नमस्ते डियर फ्रेंड्स, भाई और बहनों, कोरोना आउटब्रेक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। भारत से पहले ये दूसरे देशों में आया, बहुत सारे लोग इसकी चपेट में आए, बहुत सारी जानें भी गई, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। भारत में भी स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारत की सरकार इसको पूरी गंभीरता से ले रही है। 21 दिन का पूरा लॉकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि ये लॉकआउट कर्फ्यू के जैसे है। एक लक्ष्मण रेखा है आपके घर के बाहर, जिसको हमें पार नहीं करना है, हमें घर में रहना है। यही एक सोल्यूशन है इस बीमारी से इस वक्त लड़ने का। ये एक ऐसी मूवी चल रही है जिसके अंदर बहुत सारे हीरोज और हीरोइंस हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक विलन है जिसका नाम है कोरोना। और दुनिया में जितनी भी मूवीज बनी है, जहां भी विलन हुआ है कभी जीता नहीं है, विलन हमेशा हारता है। इस वक्त इस विलन ने बहुत हड़दंग मचा रखा है, बहुत टेरर फैला रखा है, लेकिन ये तय है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये विलन बुरी तरह से पिटके चला जाएगा और ये हिस्ट्री बन जाएगी और पूरी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ये कोरोना नहीं होगा। वो दिन कब आएगा ये पता नहीं है, कितना नुकसान तब तक हो जाएगा वो पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि वो दिन आएगा और ये कोरोना एक हिस्ट्री बन चुका होगा। हम आज तक इस वक्त हम घर में हैं, हम इस वक्त घर में क्या कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम सब अपने आप को बचा सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, हम किसी को अननेसेसरी ना मिले, घर से बाहर ना निकलें, अपने आप को अगर हम बचा सकते हैं, हम सब अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो हम पूरे नेशन को बचा सकते हैं। दूसरी बात यह है, अगर नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा दिमाग में लाओगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर स्प्रेड करोगे, बहुत सारे लोग नेगेटिव न्यूज़ को बहुत तेज़ी से व्हाट्सएप पे स्प्रेड कर रहे हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, नेगेटिव बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जितना हम नेगेटिविटी अपने दिमाग में घुसाएंगे, जितना नेगेटिव डिस्कस करेंगे, उतनी नेगेटिविटी और मिजरी को अपनी लाइफ में, अपने नेशन में, अपने देश में अट्रैक्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ दिस, इसकी जगह पर अगर हम पॉजिटिव रहें, होप रखें, एनकरेज रहें, लोगों को एनकरेज करें, पॉजिटिव स्प्रेड करें, तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। क्यों ना हम एक ग्रेटिट्यूड डायरी बनाएं, जो भगवान ने हमें ब्लेसिंग्स आज तक दिए हैं उनको लिखें। व्हेन वी डिस्कस ग्रेटिट्यूड वी अट्रैक्ट मोर ग्रेटिट्यूड इन आवर लाइफ, व्हेन वी डिस्कस पॉजिटिविटी वी अट्रैक्ट मोर पॉजिटिविटी इन आवर लाइफ। और इन दिनों को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, हम घर में हैं, क्या हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ हॉबीज परस्यू कर सकते हैं। हमने कल एक ऑनलाइन मीटिंग करी, 1000 लोग थे उस मीटिंग के अंदर और 2 से 5 3 घंटे तक वो मीटिंग चली और वो 3 घंटे हम भूल चुके थे कि कोरोना जैसी कोई चीज़ भी है। वो 3 घंटे हम लोग उस मीटिंग में इन्वॉल्व थे और हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत ज़बरदस्त मीटिंग रही। मैं अपनी टीम के लिए एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूँ, वी विल स्टे कनेक्टेड। हम लोग इस तरह की मीटिंग्स करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, नॉट ओनली फॉर बिजनेस, हम लोग एंजॉय करेंगे, हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे। आप कैरोके करोगे इस मीटिंग के अंदर, हम लोग डांस सीखेंगे, किसी को डांस आता तो डांस के स्टेप सीखेंगे, आपके बच्चों से जोक्स और कविताएं और चुटकुले और गाने सुनेंगे और आपस में कनेक्टेड रहेंगे, हैप्पीनेस को स्प्रेड करेंगे, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे और बहुत ज़बरदस्त इन दिनों को यूटिलाइज करेंगे। एक एक दिन मिल के जिंदगी बनती है और एक एक दिन इम्पॉर्टेंट है। ये दिन हमारी जिंदगी की माला में एक एक मोती की तरह है। इस सफ़ेद मोतियों की माला में ये दिन काले नज़र नहीं आने चाहिए। खुश रहो इन दिनों में, कुछ ऐसा करो जिसको डिस्कस करके बाद में गर्व हो। और जब ये सब चला जाएगा, एक मीटिंग करेंगे, नॉट ऑनलाइन, फेस टू फेस मिलेंगे, जश्न मनाएंगे, आपसे सुनेंगे आपने इन दिनों में क्या किया, आपके पास कुछ बढ़िया होना चाहिए बताने के लिए। डू समथिंग क्रिएटिव, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड हैप्पीनेस एंड वी ऑल विल फाइट दिस कोरोना आउट। इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सी यू वेरी वेरी सून। नमस्ते, स्टे सेफ, स्टे एट होम।